अल्लाम अजीज तलाबा और तालबात लास्ट लेक्चर में हमने क्रास कल्चरल रिलेशनस के रेफरेंस से क्रास कल्चरल डिफ्रेंसिस की बातें की उसकी अहमियत को वाज किया आज के बीसवें लैक्चर जो कि ह्यूमन रिलेशन के रेफरेंस से है उसमें हम हाउ टू इम्प्रूव क्रॉस कल्चरल रिलेशंस इस पे बात करें हमारा ज़्यादा फोकस उन बैरियर्स हंड्रेंसिस या हेंडी पे होगा जो क्रॉस कल्चरल रिलेशंस को बनाने में इम्प्रूव करने में रुकावट बनते हैं उसके बाद इस लेसन में कोशिश करेंगे कि क्या स्ट्रैटी इख्तियार की जाए कि हम क्रॉस कल्चरल रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकें इन अदर वर्ड्स जो आज के लेक्चर का फोकस है वो उन बैरियर्स पे है या उन हेंडी पे है जो रुकावट बनते हैं क्रॉस कल्चरल रिलेशंस में या दूसरे कल्चर से लोग जो है उनके साथ काम करने में उन रुकावटों या बैरियर्स की आइडेंटिटी के बाद या आइडेंटिफिकेशन के बाद या उनकी निशानदही के बाद हम उन स्ट्रेटजीज़ को सीखेंगे जिन स्ट्रेटजीज के ज़रिए या स्टेप्स के जरिए हम अपने इन हैंडीकैप्स या बैरियर्स को रिमूव कर सकें एलिमिनेट कर सकें या मिनिमाइज कर सकें सो दैट यू वी बिकम ए बेटर परफॉर्मिंग वर्कर इन ऑर्गेनाइजेश डिवर्सिटी इज रिवेलिंग तो मेन मकसद अगर आज के लेक्चर का कहूं तो इट इज एक्चुअली ए स्किल बिल्डिंग एक्सरसाइज टू इम्प्रूव क्रॉस कल्चरल वर्किंग एबिलिटी और केपेबिलिटी तो इसलिए आज का लेक्चर आपके अपने आप को इम्प्रूव करने में उम्मीद है मदद देगा अगर ये स्ट्रेटेजी आप अडॉप्ट करते हैं पहले पहल जिक्र करूं के क्रॉस कल्चरल बैरियर्स कौन कौन से हैं परसेप्चुअल एक्सपेक्टेशन एथनो सेंट्रिज्म फोकस ऑन इंटर ग्रुप रादर देन इंटर पर्सनल रिलेशनशिप्स स्टीरियोटाइप इमेजेस इन इंटरग्रुप रिलेशंस, डिफरेंट नॉर्म्स एंड कोड्स ऑफ कॉन्डक्ट अन इंटेंशनल माइक्रो इनएक्टिविटीज ये छह मेजर पॉइंट हैं जिनके इर्द गिर्द बहुत सारे क्रॉस कल्चरल बैरियर्स या हैंडी या रुकावटें मेंटल रुकावटें वो मौजूद होती हैं या पाई जाती हैं अगर मैं प्रसैप्चुअल एक्सपेक्टेशंस का जिक्र करूं तो ये बेसिकली मेरे पिछले लेक्चर्स में अपने परसेप्शंस के बारे में सुना होगा कुछ बातें याद होंगी कि लोगों की परसेप्शंस डिफरेंट हो, होती हैं अबाउट वन इवेंट अबाउट ए कम्युनिकेशन अबाउट एनी वन थिंग ये जो परसेप्शंस की वेरिएशन है ये क्रॉस कल्चरली ज्यादा होती है परसेप्शंस का सोर्स वैल्यूज में नॉम्स में आपके टोटल बिहेवियर या सोशल माइंड जो आपका है उसके रेफरेंस से होता है तो जब कल्चर डिफरेंट हो दो या ज्यादा लोगों के तो उनकी परसेप्शंस भी डिफरेंट होती है परसेप्शन क्या परसेप्शन बेसिकली सोचने का अंदाज है किसी चीज को इंटरप्रेट करने का अंदाज है वो इंटरप्रिटेशन जो है ना वो डिफरेंट होती है वो डिफरेंट होती है तो ऑब्वियसली मीनिंग्स डिफरेंट है मीनिंग्स डिफरेंट है तो एक्शंस डिफरेंट है एक्शन डिफरेंट है तो बेसिकली बिहेवियर आपका डिफरेंट है और आपका काम करने का तरीकेकार डिफरेंट है मिस अंडरस्टेंडिंग आउट ऑफ दिस परसेप्चुअल डिफरेंसिस सेप्चुअल वेरिएशन यहां पर यह बात कहता चलूं कि यह जरूरी नहीं है कि अगर दो लोग या दो से ज्यादा लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं बट दे बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर्स एंड दे हैव टू बिलीव इन द सेम थिंग ऐसा नहीं है यह मैं मैसेज नहीं दे रहा वो परसेप्चुअल डिफरेंसेज रहेंगे मैसेज ये देने की कोशिश कर रहा हूं कि यह रुकावट बनती है रिलेशनशिप में अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लें कि हां इसने तो इसी तरीके से सोचना है इसने इसी तरीके से काम करना बिकॉज द पर्सन कम्स फ्रॉम दैट कल्चर इन अदर वर्ड यू योर एक्सेप्टेंस ऑफ दैट वेरी परसेप्शन ऑफ एन इवेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ ए कम्युनिकेशन विल मेक यू वर्क विद दैट पर्सन कंफर्टेबली तो ये परसैप्शन की वेरिएशन जो है ना ये एक रुकावट है ये एक बैरियर है क्रॉस कल्चरल रिलेशंस में तो अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि प्रसप्शन में वेरिएशन है रहेगी तो फिर इसको एक्सेप्ट करना आपके लिए आसान हो जाएगा और शायद रिलेशंस में ये परसैप्शुअल वेरिएशन रुकावट नहीं बनेगी तो ये मेरा पहला पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग दो बैरियर्स आर रुकावटें जो क्रॉस कल्चरल रिलेशन्स में दूसरे कल्चर से लोगों के साथ काम करने में रुकावट बनती हैं एक कोर्स किस्म की मिसाल देता हूँ बड़ी रफ सी मिसाल है लेकिन मेरा ख्याल है अपना मैसेज देने में काफ़ी स्ट्रांग रहेगी कुछ लोग पान खाते हैं बाज़ लोगों को पान खाना वर्क ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा नहीं लगता क्योंकि समटाइम वो जब से थूक भी देते हैं या उनके बिहेवियर को इस तरह के पान खाने के बिहेवियर को कुछ लोग पसंद नहीं करते अब इफ द पर्सन इज़ इन ए वे फ्रॉम ए कल्चर वेयर पान इज़ समथिंग नॉर्मल आपके लिए ये मुश्किल होगा हमारे एंडी के साथी दोस्त वो लट से नस्वार चू करते हैं अब अगर उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते मे बी यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क विद ए पठान भाई ऑफ योर्स तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो आपकी परसेप्शन में वो गलत हैं ठीक नहीं है अच्छी नहीं है उनकी परसेप्शन में वो ठीक है उन बिकॉज द कल्चर दे कम फ्राम देट इज ए नॉम दैट इज ए प्रैक्टिस द तो ये चीज़ Uh, अगर आप समझें तो ये एक रुकावट है और इस रुकावट को हम दूर कर सकते हैं बाई जस्ट एक्सेप्टिंग दैट द पर्सन बिलोंग्स टू ए डिफरेंट कल्चर यानी डिवर्सिटी वाली बात जो मैंने पिछले लेक्चर में भी जिसका जिक्र किया दूसरा पॉइंट था एथनोसेंट्रिज्म इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में भी बात की थी और अब फिर उसके बारे में बात करता दो क्योंकि एथनोसेंट्रिक फीलिंग्स ये बहुत बड़ी रुकावट है ये जो अभी मैंने परसेप्शन की बातें की ना इसके साथ ही इसका ताल्लक है जनरली एवरी पर्सन फ्राम ए सिंगल कल्चर लाइक्स हिज आर हर कल्चर लाइक्स हिज आर हर थिंकिंग लाइक्स हिज आर हर वैल्यूज वेज ऑफ डूइंग थिंग्स जैसे मैंने अभी मिसाल दी लट से पशाण चू करते हैं नस्वार कुछ लोग जैसे कराची में पान का ज्यादा इस्तेमाल है क्योंकि तो कराची से लोग हैं तो वो खाते हैं पान अब अगर इनको हम रुकावट समझते हुए इन इन लोगों के साथ लेट्स ए वाम कराची और फ्राम एनडब्ल्यू एफ पी उनसे काम करना आपको मुश्किल लगे तो मेरा ख्याल है ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं ऑल दो आप कहेंगे कि यार ये तो सिगरेट पीना पान खाना या नसवा चू करना तो ये तो वैसे ही इंजूरियस टू हेल्थ है ये तो आप समझते हैं ना ठीक है ये उसकी आदत है बट दैट पर्सन मे हैव वेरी गुड

दूसरा आदमी भी तो इसी तरीके से पसंद करता होगा वो भी तो फिर आपके बारे में इसी तरीके से सोच सकता है तो इसलिए यह जरूरी है कि इस एथनोसेंट्रिज्म को रखें लेकिन एट द सेम टाइम एक्सेप्ट एंड टॉलरेट सिमिलर एथनोसेंट्रिक फीलिंग्स ऑफ अदर इंडिविजुअल्स अबाउट देयर ओन कल्चर अबाउट देयर ओन वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट देयर ओन वेज ऑफ डूइंग थिंग्स तीसरा पॉइंट इंटरग्रुप रादर देन इंटरपर्सनल रिलेशंस लोग इंटर ग्रुप रिलेशंस पे बाजा अहमियत दे जाते हैं बजाय इंटरपर्सनल रिलेशन इसके बारे में इस तरह से कहूंगा दैट ए पर्सन मे बिलोंग टू ए ग्रुप बट इट इज नॉट नेसेसरीट दी स्टीरियोटाइप इमेजेस ऑफ दैट ग्रुप में बी पार्ट ऑफ दैट इंडिविजुअल पर्सनैलिटी तो इंटरग्रुप रिलेशन पे एम्फेसाइज करने की बजाय इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे एम्फेसाइज करें क्योंकि एक बंदा बेशक किसी ग्रुप का मेंबर है जरूरी नहीं है कि जो ग्रुप के करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ही इंडिविजुअल के करेक्टरिस्टिक्स हों। यह जरूरी नहीं है इसलिए आप ग्रुप में काम कर रहे हो तो ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर डाइवर्सिटी हो सकती है कल्चरल डाइवर्सिटी हो सकती है उसी ग्रुप के अंदर So rather than taking that group as a totality, you can take individuals who are part of that group as individuals and you should have interpersonal relations with them. Yani apka focus interpersonal relations pe hona chahiye, na ke intergroup relations. Because every individual presents himself or herself as individual as different.

बाज हम इस तरह की बात कह जाते हैं कि लेट्स से हिंदूज आर मनी मांगर्स बाज़ हम अपनी कुछ कास्ट के हवाले से भी इस तरह की बातें कर जाते हैं कि दे आर मनी मांगर्स तो ज़रूरी नहीं है दैट ए हिंदू और मे बी समाइम शेख बरदरी के बारे में इस तरह की बात कह दी जाती है दैट द पर्सन हु इज़ हिंदू और शेख और बनिया जिसको बाज़त हम कह देते हैं कि वो ही और शी हैज़ टू बी अ मनी मांगर बी अ डिफरेंट पर्सन तो ये भी आपका इमेज किसी ग्रुप के बारे में स्टीरियोटाइप इमेज बना हुआ है ये रुकावट बनता है क्योंकि इसकी बेस पे आप डिस्क्रिमिनेट कर जाते हैं कहते हैं क्योंकि ये पर्सन बिलोंग्स टू दिस ग्रुप एथनिक ग्रुप तो ये इस तरह का ही होगा जैस, जैसा आपके जहन में उस ग्रुप के बारे में इमेज है तो ये जो स्टीरियोटाइप इमेज ग्रुप्स के बारे, बारे में बने होते हैं यह इन ए वे रुकावट बनते हैं ये रुकावट बनते हैं क्रॉस कल्चरल रिलेशंस बनाने डेवलप करने और उन लोगों के साथ काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं तो ये जो स्टीरियो टाइप इमेजेस है ना ये समझिए कि ये मौजूद होते हैं जैसे आपके पास सर्टेन इमेज हैं फॉर सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल इसी तरीके से हो सकता है वो लोग दूसरे ग्रुप के लोग वो आपको उनके पास आपके बारे में कुछ इस तरह के स्टीरियोटाइप इमेजेस हो कि वो आपको अगर उस तरीके से ही सोचेंगे उसी कैटेगरी में डाल के उसी मोल्ड में डाल के पहचानेंगे तो वो भी आपके साथ शायद उस तरीके से अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप ना पैदा कर सके तो ये जो स्टीरियोटाइप इमेजेस हैं ग्रुप्स के बारे में ये बहुत बड़ी रुकावट बनते हैं इन टर्म्स ऑफ हैविंग कंजीनियल कंफर्टेबल गुड वर्किंग रिलेशनशिप्स तो इस बात को सेंसिटाइज करना चाहता हूँ आपको कि ये जो इमेजेस आपके बारे में है कि फल कैटेगरी के, के लोग या फलान कास्ट के लोग या फल मुल्क, मुल्क के लोग फल कल्चर के लोग ये तो इस तरह से होते हैं एक कोई पाकिस्तानी बाहर चला जाता है तो वो ग्रीन पासपोर्ट है मैनी टाइम्स वो जो भी उस मुल्क में उस पाकिस्तान के बारे में इमेज है तो वो वो इमेज वो स्टीरियो टाइप इमेज वो उस पर अप्लाई करके उसको कहते हैं ये दूसरी लाइन में चले जाओ तो ये इन ए वे क्रॉस कल्चरल रिलेशंस में ये स्टीरियो टाइप इमेजिंग या इमेज बहुत बड़ी रुकावट बनते हैं एंड आई लाइक टू सेंसिटाइज़ ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग टू दिस लेक्चर दैट दिस इज ए मेजर बैरियर इन टर्म्स ऑफ डिवेलपिंग क्रॉस कल्चरल कॉम्पिटेंस टू वर्क इन ए टीम ऑफ डिवर्स इंडिविजुअल्स डिवर्स कल्चरल बैकग्राउंड वाले लोग जो हैं उनके साथ काम करने के रेफरेंस से इसकी बहुत अहमियत है डिफरेंट नाम्स

कुछ लोग टाइम को टाइम की अहमियत को बहुत इम्पोर्टेंस um, देते हैं टू बी ऑन टाइम इज अ नॉर्म इन इन कल्चर्स इन सम कल्चर्स इट इज इट इज एडवाइज्ड दैट यू शुड बी फ्यू मिनट्स अर्लियर व्हेन यू आर मेकिंग एन अपॉइंटमेंट व्हेन यू आर विजिटिंग समबडी सम पीपल प्रिफर टू बी रियल ऑन डॉट ऑन टाइम बट इन मैनी एशियन कल्चर्स इट इज़ नॉर्मल टू बी लेट तो ये जो डिफरेंट नॉर्म्स हैं ये भी रुकावट बनती हैं ये भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं ये बैरियर्स बनती हैं इन टर्म्स ऑफ डिवेलपिंग गुड वर्किंग रिलेशनशिप्स अमंग आर बिटवीन पीपल फ्राम डिफरेंट कल्चर्स तो ये कोड्स ऑफ कॉन्डक्ट का डिफरेंट होना नॉर्म्स का डिफरेंट होना वेज ऑफ डूइंग थिंग्स का डिफरेंट होना यह बैरियर बनता है अब इस बैरियर को शायद खत्म करना मुश्किल है ऑल दो यू कैन चेंज योर हैबिट्स इफ यू वॉन्ट टू बट इट इज मैनी अ टाइम्स डिफिकल्ट बिकॉज यू कम फ्राम अ कल्चर वेयर यू हैव इंटरनलाइज दोज नॉर्म्स ओवर एंड ओवर अगेन एंड इट हैज़ एक्चुअली बिकम पार्ट ऑफ यूर पर्सनैलिटी ये आपको ऐसे लगता है जैसे आपके जीन्स में चला जाता है आपका जीन्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है आप एक आपकी आदत सी बन जाती है और वो आदत बाज कर बदलना उसको चेंज करना मुश्किल हो जाता है तो इसलिए वो जो नॉर्मेटिव बिहेवियर है आपका कोड ऑफ कॉन्डक्ट है आपका वो जिस तरह का है उस तरह का रहता है ऑल ये कोशिश की जा सकती है यू कैन अटेम्प्ट ऑन योर ओन इफ यू लाइक If you are working in a different environment, for example, if you go overseas and you are exposed to a completely different set of norms and codes of conduct, you probably will have to change, will have to adopt the new norms of that country, the new codes of conduct of that country. So, you can't change. Kar sakte नहीं करनी चाहिए मैं तो फिलहाल ये पॉइंट बनाने की देने की कोशिश कर रहा हूं कि अप्रिशिएट दिस डिवर्सिटी अप्रीशिएट दिस नॉमेटिव डिफरेंस अप्रिशिएट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स डिफरेंटली अगर आप इसको अप्रीशिएट करते हैं इसको पहचानते हैं तो इसका मतलब यह है कि फिर उस आपके पास अपनी नाम्स हैं आपके पास अपना कोड ऑफ कॉन्डक्ट है आपके पास अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर है बट एट दाइम यू आर वर्किंग विदर्सन हू हैज डिफरेंट सेट ऑफ नाम्स डिफरेंट कोड ऑफ कॉन्डक्ट डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स और अगर आप उसके साथ एडजस्ट करते हैं तो मकसद तो यह है कि वो भी आपके साथ एडजस्ट करे वो भी आपकी आदात आपके काम करने के कार के साथ वो भी अडाप्ट करें एडजस्ट करें तो तब गाड़ी चलेगी ना तब बात आगे बढ़ेगी तब आप दोनों इकट्ठे मिलके उस टीम का उस ऑर्गेनाइजेशन का उस टास्क फोर्स का हिस्सा बन सकेंगे लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू माई नाम्स एंड वैल्यूज प्रोबली इट इज डिफिकल्ट एंड इट इज अन To expect from people that they will readily change their conduct, their code of conduct, or their norms of behavior according to your wishes. It is very difficult, and you should not normally expect, although, if a person spends enough time in a given environment, in a given organization where set of norms are different.

अन इंटेंशनली छोटे छोटे काम आप अपने सोच अपने तरीकेकार अपने कल्चर अपने वे ऑफ थिंकिंग अपने नाम बिहेवियर के साथ करते रहते हैं लेकिन दूसरे लोग कम फ्रॉम डिफरेंट कल्चर दे ड्रॉड ऑल टूगेदर डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ दोज अन इंटेंशनल माइक्रो इनएक्टिविटीज माइक्रो लेवल के छोटे छोटे एक्शन हैं जिनको ये माइक्रो इनएक्टिविटीज कहते हैं या बेसिकली छोटे छोटे एम्बेरसमेंट्स भी इनको कह सकते हैं वैसे तो वह किसी और जगह इस पर बात करूँगा लेकिन छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कम्यूनिकेशन के फैक्टर्स भी हैं जो रॉन्ग मैसेज देते हैं इसकी मिसाल इस तरीके से देता हूँ कि यह थम का इस्तेमाल जो है ना ये मुख्तल्फ कल्चर्स में इसका डिफरेंट मीनिंग वेस्टर्न कल्चर में दिस मीनस ओके गुड In other cultures, maybe in some Asian cultures, it is derogatory meaning. Sir. Ab, you coming from a Western culture, you point out your thumb like this, telling the other individual that it is okay, good, go ahead. Like in maybe the culture which, where this symbol is being used, it is taken as derogatory, it is taken as. सम्यूज sort of तो ये छोटी छोटी इस तरह की माइक्रो इनएक्विटीज ये मेरी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक और मिसाल देता हूं बर्फ लेना डकार मारना ये आमतौर पर थोड़ा सा ग्रोस बिहेवियर समझा जाता है ख़ास तौर पे वेस्टर्न कल्चर्स में मैं वेस्टर्न कल्चर्स का जिक्र इसलिए ज्यादा करता हूँ कि मैनी टाइम्स ये जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं इन में जो कल्चर एग्जिस्ट करता है या नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर हैं या कोड ऑफ कॉन्डक्ट है दैट इज़ जनरली इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम वेस्टर्न वैल्यूज़ और हमें एज़ वर्कर्स और एज़ पार्टनर्स उनके साथ काम करने का मौका मिलता है दैट इज़ वाई आई लाइक टू ब्रिंग कंपेरिजन्स एंड मे बी एग्जाम्पल्स फ्राम दी वेस्टर्न सोसाइटीज और वेस्टर्न कल्चर्स और वेस्टर्न बिजनेस तो बर्प लेना एक ग्रोस बिहेवियर है फ्राम वेस्टर्न स्टैंड पॉइंट एट टाइम्स इन एशियन कल्चर्स बर्प लेना शायद ये मैसेज देने की कोशिश होती है कि येस आई एन्जॉयड योर फूड इट वॉज़ गुड आई लाइक डिट आई एट टू माई फिल ये जो दो मिसालें मैंने आपको दी बर्प लेने की तम को यूज़ करने की और भी बहुत सारे सिम्बोलिक कम्युनिकेशन्स हैं जो आप नोट कर सकते हैं अप्रीशियेट कर सकते हैं जो समाइम्स आपके लिए मिसअरस्टेंडिंग पैदा करते हैं अब ये जो माइक्रो इनएक्टीज़ uh, का लफ्स मैं यूज़ कर रहा हूँ uh, अगर इनको देखें तो ये अगर आप ये पहचान लें कि इस तरह का काम होता है तो फिर आप इसको शायद एम्बेरसमेंट नहीं बनने देंगे इसको शायद रुकावट नहीं बनने देंगे अपनी कम्युनिकेशन में अपने क्रॉस कल्चरल रिलेशंस में अपने वर्क रिलेशंस में उन लोगों के साथ जिनकी सोच जिनका कल्चर जिनकी थिंकिंग जिनकी जिनका कोड ऑफ कॉन्डक्ट या जिनकी स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर डिफरेंट है। तो इसलिए अगर आप इस चीज़ को पहचान लें कि ये इस तरह से होता है कि छोटे छोटे मामला जिनमें आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है वो चीज़ दूसरे को अच्छी नहीं लगती है आपका काम करने का तरीका आपका ड्रेसअप होने का तरीका या जिस तरह से मैंने पिछले लेक्चर में बात की कि लड़कों के बाल जनर, जनरली छोटे होते हैं और वही चीज़ पसंद की जाती है लेकिन अगर कोई लड़का वो बड़े बाल रख के आ जाता है या वो गुत्त बना के आ जाता है तो आप उसको कहें कि ये ये तो ठीक नहीं है तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो एट टाइम्स क्रास कल्चरल रिलेशन्स में रुकावट बनती हैं तो इन रुक इसको रुकावट ना बनने देने के लिए आपकी सोच में सिर्फ ये तब्दीली चाहिए कि आप एक्सेप्ट कर लें कि यह बंदा या बंदी दूसरे कल्चर से है इसकी थिंकिंग इसकी सोच इसकी नॉर्म्स इसके बिहेवियर इसका कोड ऑफ कॉन्डक्ट इसकी सोच वो इस, डिफरेंट है कंपेयर विद मी सिमिलरली दी अदर पर्सन मे थिंक द सेम वे अब यू तो ये बैरियर्स को अगर आप समझ लें तो फिर बैरियर्स को लुकआफ्टर करना या उनको एलिमिनेट करना मिनिमाइज करना शायद ये आसान हो जाता है। अब मैं कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स आपसे शेयर करता हूं जिनके जरिए आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं टू वर्क विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, वेदर दीज पीपल आर वर्किंग विद यू इन योर ओन कंट्री आर यू आर वर्किंग इन ए डिफरेंट कंट्री And thirdly, maybe you are working in your own country, but people from different parts of Pakistan are working with you. let's say from, as I said before, from Sindh, from Karachi, from AndaWP, Bluchistan, or maybe even at um, regional level, within a province, Usme bhi cultural variation, hoti hai, e language Ka for many a times. तो ये अगर आप इसको समझ सकें तो मेरे ख्याल में आ, आसानी पैदा हो जाएगी तो स्ट्रेटजी क्या है स्ट्रेटी ये है कि मैंने ये कुछ पॉइंट लिखे हैं डिवेलप कल्चरलिटी फोकस ऑन इंडिविजुअल्स राधर ग्रुप्स बट बी विद मी रेस्पेक्ट ऑल वर्कर्स एंड कल्चर वेल्यू कल डिफरेंसिस मिनिमाइज कल्चरल एम्बेरसमेंट्स

डिवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं सेंसिटाइज हो जाते हैं जैसे मैंने मिसालें दी थम की मिसाल दी बर्ब की मिसाल दी जब आपको पता चल जाए कि एशियन कल्चर्स में ये होता है वेस्टर्न कल्चर्स में ये होता है फ्रेंच कल्चर में ये होता है इंग्लिश कल्चर में ये होता है एशियन कल्चर में यह होता है चाइनीज़ कल्चर में यह होता है या जैपनीज़ कल्चर में यह होता है जब आपको इन बातों का पता चल जाएगा कि हाँ ये लोग तो इस तरह ही करते हैं तो फिर आपके अंदर एक ख़ास कल्चरल सेंसिटिविटी पैदा हो जाएगी जब वो कल्चरल सेंसिटिविटी पैदा हो जाएगी फिर उसको एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा तो वट आई एम ट्राइंग टू से इन फर्स्ट पॉइंट इज दैट यू शुड बी सेंसिटिव टू दिएशन अमंग आर बिटवीन कल्चर्स इन टर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ देयर बिहेवियर इन इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर्स अगर मैं आसान लफ्जों में कहूं कि अगर आप सेंसिटिविटी डेवलप कर लें कि ये मुख्तलिफ़ लोग जो मुख्तलिफ़ कल्चर से हैं इन्होंने मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करना है एंड यू एक्सेप्ट दैट वेरिएशन इन बिहेवियर तो ये कल्चरल सेंसिटिविटी है जो आप एक्सपोजर से भी हासिल करते हैं यू विजिट डिफरेंट कंट्रीज और यू गेट ट्रेनिंग फ्राम पीपल हु नो अबाउट दिस कल्चरल डिवर्सिटी जैसे मैं आपको कुछ ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ समझा रहा हूँ कि देर इज अ वेरिएशन अक्रॉस कल्चर्स एंड देर दैट वेरिएशन कैन बी एक्सेप्टेबल कैन बी एक्सेप्टेड एंड यू कुड लिव विद दैट वेरिएशन रदर देन रेजिस्टिंग टू दैट वेरिएशन दूसरा पॉइंट इट इज टू फोकस ऑन इंटरपर्सनल रिलेशन रदर दैन ग्रुप रिलेशन इस पर मैंने थोड़ी देर पहले काफ़ी गुफ्तगु की है कि आपका फोकस जो है ना वो इंडिविजुअल पे रहना चाहिए ग्रुप में नहीं रहना चाहिए क्योंकि ग्रुप में कई लोग विद डिवर्स बै, कल्चरल बैकग्राउंड मौजूद होते हैं इस डिवर्सिटी को पहचानना बहुत ज़रूरी है इसीलिए पिछले लेक्चर के स्टार्ट में मैंने कहा था कि कल्चर में माहौल में ह्यूमन रिलेशंस में इतनी कम्प्लेक्सिटी आ चुकी है कि हमें इस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत पेश आती है जिसमें हम कल्चरल रिलेशंस या कल्चरल डिवर्सिटी को समझें पढ़ें ट्रेनिंग लें ताकि हमारा काम स्मूथली चल सके इसलिए मैंने जोर दिया इस बात पे कि ये जो कल्चरल सेंसिटिविटी है ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कल्चरल सेंसिटिविटी आपके अंदर होगी तो फिर आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी फिर फिर ग्रुप मेम्बर के अंदर अगर लोग डिवर्स तरीके से सोचते हैं डिवर्स तरीके से काम करते हैं डिवर्स तरीके से बिहेव करते हैं वो भी आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा तो मेरा पॉइंट आपके सामने ये है कि ये कल्चरल सेंसिटिविटी के साथ साथ इंडिविजुअल पे फोकस रखिए ग्रुप पे फोकस ना रखिए ग्रुप पे फोकस रखेंगे तो आपको वो आपकी कोई कल्चरली सेंसिटिव मिस्टेक्स हो सकती हैं वो एम्बेरसमेंट्स uh, हो सकती हैं वो इनएक्टिविटीज माइक्रो इनएक्टिविटीज हो सकती हैं जिनका जिक्र मैंने पहले आपसे किया तीसरा पॉइंट जो है ना वो है रेस्पेक्ट ऑल वर्कर्स एंड कल्चर्स उनकी रेस्पेक्ट करें लोग डिफरेंट हैं उनकी आदत डिफरेंट है काम करने के तरीकेकार डिफरेंट हैं सोच डिफरेंट है जैसे मैंने एथनोसेंट्रिक फीलिंग्स एथनोसेंट्रिज्म के बारे में पॉइंट डिस्कस uh, किए थे ना यहां पे तकरीबन वो बात है कि हर वर्कर अपनी जगह एक यूनिक वर्कर है उसका एक अपना कल्चर है उसकी अपनी एक सोच है उसकी रिस्पेक्ट करें राधर देन एक्सपेक्टिंग एंड आस्किंग हिम और हर टू चेंज हिज और हर थिंकिंग इसलिए ये जो एक्सेप्ट करना वेरिएशन को डाइवर्सिटी को ये बहुत बड़ा फैक्टर uh, है आपके क्रॉस कल्चरल रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए जिसके लिए मैं ये पर्टिकुलरली इस लेक्चर पे फोकस कर रहा हूँ हाउ टू इम्प्रूव योर क्रॉस कल्चरल रिलेशंस तो तीसरा पॉइंट बेसिकली ये है कि रेस्पेक्ट करना सब कल्चर्स की सब लोगों की सब वर्कर्स की चौथा पॉइंट अगर मैं देखूँ तो यू शुड वैल्यू डिफरेंसिस कल्चरल डिफरेंसिस को वैल्यू करें ये उसी की ही एक तीसरे पॉइंट की एक्सटेंशन है कि एक तो एक्सेप्ट करना है ना एक्सेप्ट करने का अगला लेवल है वैल्यू देना उसको अच्छा समझना अप्रीशिएट करना एक है कि विलिंगली और अनविलिंगली किसी दूसरे बंदे के काम करने या सोच के जो भी उसकी सोच है उसको एक्सेप्ट करना विलिंगली और अनविलिंग दूसरा है उस कल्चरल डिवर्सिटी को उस बंदे के काम करने या सोच के अंदाज को वैल्यू देना अप्रिशिएट करना उसको प्लस पॉइंट समझना एक्सेप्टेंस लो लेवल है उसको अप्रिशिएट करना जरा हायर लेवल है जब आप ये करेंगे तो फिर वो इन ए वे कल्चरल डाइवर्सिटी विल बिकम ए सिनर्जी विल बिकम ए Great good point of the organization within which those people from different backgrounds, uh, diverse backgrounds will actually make a, give a synergetic effect to the environment. practical Suppose an organization in Pakistan is conducting or doing business with a firm in france now supposedly if a person who either is french or a person who has lived and worked in france is working in, or in your organization now if you use the expertise of that individual who has lived or worked in france probably Will help the organization to come out of the problem immediately or easily, or conduct business with a French firm more smoothly because he or she understands how to communicate better in uh, with a firm who's, let's say, French in origin or who is in France. फ्रांस के बारे में कहते हैं जी के वहां पर आगस्ट के महीने में काम करना कोई इतना अच्छा नहीं समझा जाता तो अगर आप अगस्त के महीने में उनके साथ कोई लेन देन करते हैं तो वहां से अगर थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस है एक्सेप्ट दैट रेजिस्टेंस नो दैट दे डू नाट लाइक टू वर्क इन दैट मंथ फॉर एग्जाम्पल या इस तरह की कोई और कल्चरल सेंसिटिविटीज हैं जैसे लेट से ब्रिटेन में पर्सनल क्वेश्चंस पूछना एंबेरसमेंट क्रिएट करता है देखिए यू डोंट आस्क पर्सनल क्वेश्चंस फ्रॉम एन इंग्लिश पर्सन और इंग्लिश कोलेबरेटर और पार्टनर और समथिंग तो ये इस तरह की सेंसिटिविटी अगर आपके अंदर है फ यू वैल्यू दी कल्चरल डिफरेंसिस मे भी आपके पास रिलेशनल क्रॉस कल्चरल रिलेशनल जो काबिलियत है वह ज्यादा है मैंने इससे पहले माइक्रो इनएक्टिविटीज की बात की थी ये जो इनएक्टिविटीज हैं या इसको बैरसमेंट्स हैं या अंग्रेजी में इसको ब्लूपर्स भी किताब में लिखा गया था ह्यूमन रिलेशन की किताब में ये जो कल्चरल ब्लूपर्स हैं या कल्चरल एम्बेरसमेंट्स हैं या कल्चरल इन ए वे मिस्टेक्स कह लीजिए कि जो आप तो अपना काम ठीक कर रहे हैं लेकिन इट इज़ कंसिडर्ड ए मिस्टेक और एन एम्बेरसमेंट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट और पर्सपेक्टिव ऑफ ए डिफरेंट कल्चर तो ये कल्चरल एम्बेरसमेंट्स जितनी कम कर सकते हैं वो कीजिए जैसे मैंने ज़िक्र किया कि लेट से इटली में ये जो बिजनेस कार्ड्स होते हैं बाज़ कल्चर्स में ये बहुत हैंड इन किए जाते हैं आपका आपका नेम कार्ड या बिजनेस कार्ड बाज़ में ये इसका यूज बड़ा इनफ्रीकेंट है जैसे इटली में सो इफ़ यू एक्सपेक्ट दैट सिमिलर बिहेवियर एज हैंडिंग इन कार्ड्स तो वो शायद आप वहाँ पे ये करेंगे तो शायद वो वहाँ पे पसंद नहीं करेंगे और उनको ये पता होना चाहिए कि दैट यू आर कमिंग फ्रॉम ए कल्चर जहाँ पे लेट से बिजनेस कार्ड का बहुत इस्तेमाल होता है आल हमारे मुल्क में भी ज़्यादा नहीं होता लेकिन बाज वेस्टर्न कंट्रीज में ये इसका इस्तेमाल रेलिटिवली ज़्यादा है एक पॉइंट कल्चरल ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि कल्चरल ट्रेनिंग हो नहीं सकती ये आपको एजुकेट किया नहीं जा सकता मैं कर भी रहा हूँ और ये कहने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये पॉसिबल है कि आप अप्रीशिएट कर सकें कि आप अगर आपको अगर मौका नहीं भी मिला मुख्तलिफ मुल्कों में रहने का तो जब इस तरह की बातें लिखी हुई लेक्चर्स की शक्ल में आ, किताबों की शक्ल में मौजूद हैं तो पढ़िए कि किसी न किसी जगह आपको चीज़ें ये मिल जाएंगी इस तरह की जो मैंने मिसालें दी हैं ये बहुत सारी मिसालें किताबों से मैंने ली हैं तो मैंने खुद भी ये मुल्क देखे हैं तो मुझे अंदाजा भी है कि इस तरह से अगर आ, आप अप्रीशिएट कर सकें कल्चरल डाइवर्सिटी को तो अच्छी बात है लेकिन अगर मौका नहीं मिलता दैट यू कुड ट्रैवल टू डिफरेंट कंट्रीज और यू कुड फाइंड अ जॉब इन मल्टी नेशनल कॉपोरेशन विद पीपल फ्राम डिफरेंट कल्चर्स आर वर्किंग अगर ये नहीं मिलता तो ऑबियसली इस तरह की ट्रेनिंग में भी इस तरह की रिलेशनल uh, एबिलिटी स की जा सकती है बढ़ाई जा सकती है तो कल्चरल ट्रेनिंग देने के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइजेशंस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ये बना सकते हैं बनाए जा सकते हैं एक और स्ट्रेटजिक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में ये अगर कल्चरल सेंसिटिविटी का पॉइंट और यह पॉइंट जो है ना फॉरन लैंग्वेज ट्रेनिंग का यह मेरी नज़र में बहुत है कि अगर आपको लैंग्वेज आती है उस मुल्क की जिसके साथ आपका बिजनेस है या ट्रांजेक्शन है या उसके साथ आपका किसी तरीके से कलेबोरेशन है कोई वर्क पार्टनरशिप है या वर्किंग रिलेशनशिप है अगर आपको लैंग्वेज आती है ना तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ उस मुल्क के साथ तो आपका ताल्लक या आपका काम या आपका बिजनेस या आपके वर्क रिलेशन इंप्रूव होंगे ही होंगे उसके साथ साथ दूसरे मुल्कों के साथ भी या दूसरे लोगों के साथ हु कम फ्राम डिफरेंट कल्चर उनके साथ भी आपका वर्क रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएगा क्यों और कैसे लेटमी मै एक्सप्लेन दैट यू जब आप को एक लैंग्वेज दूसरी आपकी अपनी लैंग्वेज के अलावा आती है तो आपको ये पता चलता है अच्छा ये इस तरह के ये लोग दूसरी लैंग्वेज के किस तरह से सोचते हैं किस तरह के कॉन्सेप्ट किस तरह की इनकी वैल्यूज हैं तो जब आपको एक लैंग्वेज का ये पता चलता है तो फिर आप तीसरी लैंग्वेज लेट से आपको नहीं भी आती है तो आपको ये जरूर अंदाजा हो जाता है कि अच्छा तीसरी लैंग्वेज के लोग भी मुख्तलिफ तरीके से सोचते होंगे मुख्तलिफ तरीके से काम करते होंगे मुख्तलिफ तरीके से आ, उनका कोड ऑफ कॉन्डक्ट होगा जब ये बात आएगी तो फिर आपका रिलेशनल जो आपकी एबिलिटी है काबिलियत है वो बढ़ जाएगी क्योंकि आपकी एक्सेप्टेंस तीसरे कल्चर के रेफरेंस से भी बढ़ जाएगी क्योंकि आपने जब लैंग्वेज सीखी तो लैंग्वेज से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट दूसरे कल्चर के उनका पता चलता है उनकी सोच का पता चलता है तो इसलिए लैंग्वेज सीखना मेरी नज़र में बहुत अहम कंपोनेंट है आपकी क्रॉस कल्चरल रिलेशनल एबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए बढ़ाने के लिए तो इसीलिए मेरे ख़्याल में मैंने जैसे पहले भी ज़िक्र किया कि पिछले लेक्चर में कि बड़े बड़े जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने स्टूडेंट्स को किसी फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग भी देते हैं जैसे हमारे यहाँ बाज़ फ्रेंच पढ़ाते हैं अरबिक पढ़ाते हैं पर्शियन पढ़ाते हैं या कुछ इदारों में शायद इसके अलावा भी लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं आजकल तो ख़ास तौर पे लैंग्वेजेस uh, पे बहुत ज़ोर है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स में इंटर कंट्री इंटर कल्चरल रिलेशनशिप की अहमियत बढ़ रही है सो चाइनीज़ जैपनीज़ दूसरी और लैंग्वेजेस जो है ना मुख्तलिफ़ों पर सिखाई जा रही हैं बल्कि इंट्रोड्यूस नई लैंग्वेज की जा रही हैं तो आई थिंक

Um, english is a universal um, language, may be very important. and if you are uh, going to do business, business with the china, maybe chinese is very important. japanese language um, is important. so, again, languages are key to merkel. yes, i your relational uh, ability hai regarding cross-cultural um, competence. वो आपको आपकी बढ़ेगी एक पॉइंट है जिसको डिवर्सिटी ट्रेनिंग की बात है कि हाउ टू लिव इन डिवर्स एनवायरनमेंट, हाउ टू लिव इन और हाउ टू वर्क इन डिवर्स एनवायरनमेंट। अब डिवर्सिटी से मुराद सिर्फ कल्चरल डिवर्सिटी की बात नहीं है डिवर्सिटी से मुराद कई बातें हो सकती हैं मिसाल के तौर पर बाज ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो 24 फोर आवर्स काम करती हैं अब उसमें शिफ्ट हो सकती है सुबह वाली शिफ्ट आफ्टरनून वाली शिफ्ट इवनिंग वाली शिफ्ट रात की शिफ्ट ये डिफरेंट शिफ्ट्स हैं अब ये डिवर्सिटी है सारी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से मुख्तफ शिफ्ट्स में काम नहीं करती हैं बाज ऑर्गेनाइजेशन करती हैं अगर आपको ये ट्रेनिंग दे दी जाए या यू डिवेलप दिस स्किल ऑफ योर्स दैट यू कैन वर्क इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स टू ये मेरे ख्याल में एक कैबिलिटी के एक काबिलियत है ट्रांसपोर्ट um, के बिजनेस में इफ यू आर हैपन टू बी ए पायलट एंड यू फ्लाई प्लेन्स ऑब्वियसली यू हैव टू फ्लाई प्लेन्स ड्यूरिंग नाइट्स ड्यूरिंग डेज ड्यूरिंग मॉर्निंग्स ड्यूरिंग आफ्टरनून्स सिमिलरली इफ यू आर एम ड्राइवर इन ए बस कंपनी और समथिंग उसमें भी इसी तरह की कंडीशन होगी तो ये वहां के डिवर्स एनवायरमेंट है फिर किसी जगह अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो मे भी वहां पर बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट है अगर कोई प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे डिफरेंट एनवायरनमेंट है अगर सर्विस ओरिएंटेड कंपनी है सर्विस देते हैं तो वहां पे बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट और आ, शायद एक्सपेक्टेशंस भी डिफरेंट है तो ये चीजें मेरी नजर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अगर आप समझें कि डिवर्सिटी uh, जो है ना अगर प्लस है तो आप डिवर्सिटी की ट्रेनिंग दे भी सकते हैं ले भी सकते हैं इसको इस तरह की ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करना टैक्टफुल होता है होना चाहिए ताकि लोग अप्रिशिएट कर सकें कि ये जो डिवर्सिटी है इट इज़ अ प्लस इट इज़ अ गुड थिंग इट इज़ गुड थिंग टू नो इट इज़ गुड थिंग टू लर्न एंड इट इज़ गुड थिंग टू अप्रीशियेट एंड मे बी यूटिलाइज दोज स्किल्स ऑफ नोइंग डिवर्सिटी एंड नोइंग डिवर्स वेज ऑफ डूइंग थिंग्स तो फिर शायद किसी सिचुएशन में जो आपका तरीक़ेकार है काम करने का वो उतना प्रूडेंट उतना यूजफुल ना हो जितना दूसरे किसी कल्चर uh, का या दूसरे किसी उस बंदे का जिसके पास Uh, काम करने का तरीके का डिफरेंट है इसकी मिसाल एक और आ, देता चलूं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है माई सेल्फ कनाडा में एक इंडियन था आई थिंक आई गिव दिस एग्जाम्पल इन वन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स इज वेल उस बंदे ने एक निश पहचाना कि अगर मैं अपनी travel agency, Sunday ko kholu, uske liye Sunday was not as important as it was for Christians living there, because they, let's say, go to church on Sundays. Let's say that Indian did not, or uh, need not to go to church, or did not go to church on Sundays. So, he opened up his travel agency on Sundays and he brought or he did so much business on Sundays that one Sunday business of his according to him was probably um, equivalent to uh, one week's business uh, he was doing during other weekdays. Now this diversity appreciate Kiya. or uh, he opened up agency on, um, travel agency on uh, provided services um, on holiday, and he took his holiday when he wanted, let's say that was Friday. Now, you to a slide and things si which will actually enhance your uh, ability to relate uh, with people from uh, different cultures. This is another step: be alert to cultural differences in customs and behavior. बात वही है रिपिटिशन है कि कल्चरल डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ कस्टम्स एंड बिहेवियर उसके लिए अलर्ट रहे अपना माइंड अलर्ट रखें कि ऐसा हो हो सकता है होता है यूज स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज एंड स्पीक स्लोली एंड क्लियरली स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान लफ्स मुश्किल लफ्स ना यूज करें इससे इससे कम्युनिकेशन में आसानी होती है मैंने इसका जिक्र पहले भी कभी किया होगा वेन दिचुएशन अप्रोप्रियट स्पीक इन दैंग्वेज ऑफ द पीपल फ्रॉम अदर कल्चर अगर मुमकिन हो सके तो जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं अगर अप्रोप्रिएट समझे तो उसकी लैंग्वेज में बात करें अगर जापानी के साथ बात कर रहे हैं आप मैं भी मुझे तो ज़्यादा लैंग्वेज नहीं आती आरिगा तो कहते हैं कोई इस तरह के एक दो लफ्ज़ अगर आप फ्रेंच के जर्मन के जापनीज के जो भी आपको आते हैं अगर यूज़ कर लें तो ये इस तरह का जेस्चर अच्छा महसूस होता है टू रिलेट विद अ पर्सन हु कम फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर एंड और आपको उसके कुछ लव्स या कुछ सेंटेंसेस या कुछ थोड़ी बहुत लैंग्वेज आपको आती है मैनर्स और कस्टम्स में अगर uh, कुछ ख्याल रख सकें तो रखिए कि भाई इनका ये जैसे मैंने बर्ब की बात की थी अगर इसको अवॉइड कर सकते हैं वैन यू आर इंटरेक्टिंग विद यू आर इंटरेक्टिंग विद चाइनीज में बी यू डोंट नीड टू वरी टू मच अबार

तो ये सात स्टेप्स हैं जो मैं जिक्र करके अपना लेक्चर आज का खत्म करता हूं कि इससे इम्प्रूवड कल्चरल रिलेशन पैदा होंगे वो क्या है डेवलप कल्चरल एक्टिविटीज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आपके इर्द गिर्द या आप कहीं जा सकते हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं फोकस ऑन इंडिविजुअल नॉट ग्रुप रेस्पेक्ट ऑल वर्कर्स एंड कल्चर्स वैल्यू कल्चरल डिफरेंस अप्रीशियट कल्चरल डिफरेंस Minimize cultural embarrassment or bloopers. Participate in cultural training. Participate in diversity training. Now, these points, if you practice them, calm let me tell you, you can improve your uh, relations with people from different cultures. With these words, I end my lecture today and I hope. You have learned, and you you have acquired certain skills to relate better with the people who come from different cultures. Thank you so much for the office.